जिया की मम्मी को तो खास करके देख रहे थे बहुत पहले से एक्साइटेड की उसके लिए ये लेना है उसके लिए ये लेना है। अब आपको दिखाने वाले हैं जी वह गिफ्ट क्रियांश के नाना नानी ने बहुत ही प्यार से दिया है और इसके लिए वह बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब घर आए और कब जो क्रियांश को वह दे। तो फाइनली जी क्रियांश सो चुका है और हमारी भी नींद हो चुकी है पूरी। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, सोचा कि नाना नानी का जो गिफ्ट है दिखाते हैं आपको, क्योंकि जब क्रियांश के नाना नानी आए थे तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि जी गिफ्ट दिखाइएगा कि नाना नानी ने क्या दिया है, और हमने खुद से भी पूछा था दिखाना चाहिए या नहीं, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ जी दिखाइए जी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी मौका है जब तक वह जग नहीं जाता है, और उसके बाद ऐसा हुआ ना कि हम लोग सोच भी रहे थे वीडियो बनाएंगे, लेकिन बुआ को जब से वैक्सीन लगा है उसका तबीयत बहुत परेशान थे सभी लोग हम लोग, लेकिन आज वो ठीक है और सोया हुआ है तो भी टाइम मिल गया हम लोगों को, तो सोचते हैं वीडियो बनाएंगे जल्दी से। तो दिखाते हैं जी आपको कि इसके नाना नानी ने क्या दिया, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। तो जिया को देख सकते हैं जी सारी गिफ्ट ला करके यहाँ पर बैठी हुई है, और एक बात बता दे कि जिया के मम्मी पापा ने जो गिफ्ट है सिर्फ अपने नाती के लिए नहीं लाया है, इस घर के जितने सदस्य हैं सभी के लिए लाया है। तो देख सकते हैं, तो सभी का एक एक करके आपको गिफ्ट दिखाते हैं और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। हाँ, तो पहले बाबू का दिखाएं या फिर फैमिली वाले का? पहले फैमिली वाले का दिखा दो, बाबू का सबसे लास्ट में दिखाते। ये कॉटन की साड़ी है, ये माँ के लिए, क्योंकि माँ कॉटन की ही साड़ी पहनती है। अच्छा, ये दीदी के लिए है। तो यहाँ पे खोल के तो नहीं दिखा सकती, यहाँ पे आप देख सकते हैं साड़ी। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, माँ सिर्फ कॉटन की साड़ी पहनती है। इससे पहले कि जिया तुम कुछ अगला गिफ्ट दिखाओ, हम चाहते हैं अपना कुछ गिफ्ट दिखाने। अच्छा, आप कौन सा गिफ्ट ले लिए? हम भी गिफ्ट लिए हैं। कब लिए? नाना नानी सोचे कुछ दे रहे हैं तो सोचे हम भी कुछ ले लेते हैं। अच्छा, जल्दी से दिखाइए क्या लिए। वो गिफ्ट जो है जरूरी भी था, हम लोग उसके बारे में बात भी कर रहे थे कि लेंगे, लेकिन तुमको हम बताए तुमको हम बताए नहीं थे, ले लिए लेकिन ले चुके हैं हम। दिखाइए, ये रहा वो वाला गिफ्ट, इसको पहले हम थोड़ा अनबॉक्स कर चुके हैं क्योंकि हमको चेक करना था सामान अच्छा है कि खराब है। बाबू का वजन करने के लिए हम लोग सोच रहे थे ना कि इसका हेल्थ सही हो रहा है कि नहीं, मतलब पता नहीं कैसा बढ़ रहा है ये सब चीज, हम सोचे वेटिंग मशीन ही ले लेते अपना ट्रैक करते रहेंगे, लेकिन बाबू वाला नहीं, बाबू के लिए नहीं था तो हमने यहाँ बाबू के लिए स्पेशली ले लिया है जी। खोल के देख लेना कैसा है, इसको हम थोड़ा खोल के देखे थे इसका मतलब चेक करने के लिए कि सामान गड़बड़ तो नहीं भेज दिया। ये यहाँ ये रहा मशीन, ठीक है, और साथ में है ट्रे। बाबू को रख के यहाँ पर तुमको वेट बता देगा। तो यह है कि हमारे तरफ से एक भेंट बाबू के लिए, सोचा कि हम भी कुछ ले लेते हैं बाबू के लिए। कब लिए हमें पता भी नहीं चला, शॉपिंग करते वक्त जो हम कुछ पैसा कमा लिए तो सोचे कि उससे हम ले लेते हैं बाबू के लिए। वो कैसे, शॉपिंग करते समय पैसा कौन कमाते? शॉपिंग करते वक्त पैसा हम कमाते हैं, एक है तरीका। वो कैसे? वो है कैश करो। कैश करो क्या है? कैश करो ऐप नहीं पता तुमको? तो जल्दी से बता देते हैं कैश करो ऐप के बारे में जी। कैश करो ऐप जो है इंडिया का नंबर वन कैश बैक है, जिसको मिस्टर रतन टाटा के द्वारा फंड किया जा रहा है। यहाँ पर जो है 1500 प्लस शॉपिंग वेबसाइट अवेलेबल है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एजियो, मिंत्रा, इस तरह का वेबसाइट, जहाँ पर जो है 30% तक का कैशबैक मिल जाता है एडिशनल डिस्काउंट और कूपन के अलावा। तो सोच लो कितना फायदा होता होगा। तो फिर हमें बताइए कैसे यूज करते हैं इसको। चलो तब जल्दी से बता देते हैं कैश करो ऐप को कैसे यूज करना है जी। करना कुछ नहीं है, लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के जो है आप जो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो आप जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर वहाँ से भी जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, और हमारा कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा GR25, जिससे कि आपको 25 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे जी, उसके बाद जो है आपको साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद जो है कैश करो ऐप को जो है खोलना है। जैसे ही फिर कैश करो ऐप को आप वहाँ खोलेंगे, वहाँ पर जो है आपको ढेर सारा शॉपिंग वेबसाइट मिल जाएगा, तो उसमें से किसी एक शॉपिंग वेबसाइट को जो है सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अमेजोन सर्च कर रहा हूँ, तो फिर अमेजोन सर्च करने के बाद वहाँ पर एक ऑरेंज बटन दिख रहा होगा, इस ऑरेंज बटन को जो है जाकर के जो है टैप कर लेना है। जैसे ही ऑरेंज बटन को टैप करेंगे आपको जो भी वहाँ पर सामान लेना है उस प्रोडक्ट को जो है कार्ट में ऐड कर लीजिए, जैसे कि नॉर्मल शॉपिंग वेबसाइट पर करते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड कर लिया जी, उसके बाद बारी आती है ऑर्डर प्लेस करने की, जाकर के ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। जैसे ही आप ऑर्डर को प्लेस कर देंगे, उसके बाद जो आप माय अर्निंग सेक्शन में जाकर के जो अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं। और जी यहाँ जो आपको कैशबैक मिला हुआ होता है, यह रियल कैशबैक होता है जी, जिसको आप बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी तो अमेजोन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। है नहीं, ये बहुत सिंपल है। और हम जी इंडिया के एकमात्र ऐप है जो आपको शॉपिंग करने के लिए पैसे देता है, और साथ में जी आप लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, आप लोगों के लिए भी जी गिव अवे चल रहा है, जिसमें 10 लकी विनर को मिलेंगे 500 रुपए अमेजोन गिफ्ट वाउचर के रूप में। करना क्या है आपको, कैश करो से बस एक ट्रांजेक्शन करना है। तो जी देरी किस बात की, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर के हमारे लिंक से आप जो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आपको 25 रुपए का इंस्टेंट बोनस भी मिल जाएगा। तो जी अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रितु के लिए, रितु के लिए, ओके, पेटीकोट वगैरह है। और अगला जो गिफ्ट जिया निकाल रही है ये किसके लिए? ये हमें आइडिया नहीं, ये दो मौसी है, आंटी और मम्मी, इन दोनों में से किसी के लिए है, ये दो साड़ी है।
अच्छा। लगता है ये आंटी का है और ये मम्मी का। जी हाँ, तो आंटी और मम्मी जो है आने वाली है घर में, जो तीज का फंक्शन होगा तो उसमें, तो मम्मी उनके लिए भी भेजी है। यहाँ देख सकते हैं ये साड़ी, इस टाइप की साड़ी है। बाकी दोनों मौसी डिसाइड करेंगी कि उनको कौन सा लेना है। हाँ, यहाँ देख सकते हैं ये। अच्छा, तो दोनों मौसी जब इस वीडियो को अभी देख रही होंगी, कल तक कॉल आ ही जाएगा कि हमारे लिए वो साड़ी रख देना। जो हमारे घर में काम करती हैं दीदी, उनके लिए एक ये साड़ी है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट साड़ी है, बोली थी हमको सॉफ्ट साड़ी चाहिए। और एक कुर्ती था जो कि हम पहले ही दीदी को दे दिए। अच्छा, बबीता दीदी पहले ही दे चुकी है। हाँ, तो ओके। और ये साड़ी था। अब इसके बाद यह दिखा रही है बाकी कपड़े जो जेंट्स सब के लिए है। हाँ, ये डैडी के लिए, डैडी कोट जाते हैं, डैडी के लिए ब्लैक एंड व्हाइट है, और ये मोनू के लिए ब्लू कलर का, और ये दोनों वकील साहब के लिए। हाँ, और अब बचा बाबू का कपड़ा और मेरा। हाँ, और उसके बाद हमारा भी कपड़ा बचा। हाँ, तो हमारा कपड़ा जो है क्या है जी, वह था सिल्क का कुछ था, कुर्ता वर्ता। हाँ, तो उसको हम जा करके जो है टेलर के यहाँ सिलवाने दिए हुए हैं। हाँ, तो अभी तक लाए नहीं है, तो जाएंगे एक दिन लाएंगे, और किसी ओकेजन पर पहनेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। पूजा होगा घर में तो उसमें पहन लीजिएगा। हाँ हाँ, तो अब दिखा रही है जी क्रियांश का, तो क्रियांश के लिए तो तुम्हारा है। हम बोले थे कि हमें एकदम हल्का सा साड़ी देना, एकदम सॉफ्ट सा साड़ी, तो वो और पीले कलर का, ये पीला कलर का साड़ी है। मुझे भी जिया को पीला कलर का जो साड़ी है अच्छा लगता है पहनना। हाँ, और हम मम्मी को बोले थे कोई हैवी साड़ी मत देना, क्योंकि हैवी साड़ी रखा ही रह जाता है, पहनते हैं नहीं, इसलिए कोई हल्का सा साड़ी देना, कोई पूजा उजा होगा तो उसमें पहने, तो उसमें यह यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कौन सा गिफ्ट बताओ। इसका डिजाइन ठीक है। अब तो जिया दिखाने जा रही है जी, इसमें चूड़ी है, चूड़ी ये माँ का चूड़ी है, माँ लाह की चूड़ी पहनती है, तो मम्मी लाह का ही चूड़ी भेजती है, और ये रितु के लिए है चूड़ी। अच्छा, मेरे लिए पता नहीं अभी कहाँ है रखा हुआ चूड़ी है, बट कहाँ है। अच्छा ठीक है, और अब अगला गिफ्ट किसका है। क्रियांश का है। क्रियांश का है, और क्रियांश का कुछ गिफ्ट जो है अनबॉक्स हो चुका है पिछले लास्ट दो तीन ब्लॉग में, जो आप कुछ ड्रेस देख रहे हैं। हाँ, तो वो जिया की मम्मी ने ही दिया था, तो अपने सामने ही जिया की मम्मी ने कुछ ड्रेस पहनवा लिया था। तो यह देख सकते हैं बाबू का हाफ, और क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हाफ स्लीव वाला ही सही रहता है, और हम लोग ढूंढ भी रहे थे, हम लोग को अच्छा सा वैसे मिला नहीं, लेकिन मम्मी जो भी लाई है इनको अच्छा जैसा मिल गया है गाँव में। तो भागलपुर से ली। अच्छा, हमको लगा चलो जिया के गाँव में मिल रहा है वहीं जा करके कुछ हम लोग भी खरीद लेंगे। भागलपुर से रिया सारा कपड़ा खरीदी है। अच्छा, रिया खरीदी है सारा। ओके ओके, तो धन्यवाद रिया, और धन्यवाद नन्ही बुआ जी। पिंक कलर का बहुत ही प्यारा लग रहा है, और जिया जो ड्रेस अभी पहनी हुई है उससे मैच कर रहा है। आज ही के दिन पहनाना चाहिए था पवा को। तो यह देख सकते हैं कितना प्यारा सा है यह, और बच्चे का जी जो भी ड्रेस होता है सारा प्यारा लगता है, एक भी ऐसा नहीं है कि खराब लगता है बच्चे का ड्रेस। वैसे पैंट का जो है कम ही इस्तेमाल होता है, पैंट पहनता ही नहीं है, क्योंकि पैंट पहनता है उसी समय उसमें सुसु हो जाता है। और दिखाते हैं आपको, और एक ये है, ये टॉवेल है। ओके ओके, खोल के दिखाना एक बार। फर्स्ट प्राइस है, सेम वैसा ही है। तो अब ऐसा करेंगे, इसको कल से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, जितना टॉवेल है हम सबका इस्तेमाल कर चुके। अच्छा टॉवेल है ये भी। हाँ, बेबी पिंक कलर, और भी अच्छा लगता है। बेटी होती तो और अच्छा रहता। बेटी का कपड़ा सच में बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, और बहुत वेरायटी का। और ये देख सकते हैं, ये क्रियांश के लिए एक और कपड़ा, जब क्रियांश बड़ा होगा तब पहनेगा ये, अभी तो नहीं पहन पाएगा ये। नहीं, अभी आ जाएगा शायद एक मंथ बाद। एक मंथ बाद आ जाएगा। उसे भी जितना कपड़ा है हमको लगता है दो महीने तीन महीने में सब खराब हो जाएगा कपड़ा। हाँ, छोटा हो जाएगा। ये कैसा लगा, कोई सावन में अच्छा रहेगा ग्रीन ग्रीन पहनाने में। वाह, सावन के दिन पहनाएगी। कोई नहीं, मेरे पास भी ग्रीन टी शर्ट वहाँ पड़ा हुआ है, वही पहन लेंगे। ये हमें बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। तो क्रियांश के बाद रिया जो दिए वो हम आप लोग को नहीं दिखाएं, बाद में दिखाएंगे। अच्छा, वो और भी बहुत ही प्यारा है। तो क्रियांश के लिए देख सकते हैं जी कपड़े ही कपड़े हैं, और यह देख सकते हैं कपड़ा, ये रिया खरीदी। भाई साहब, पिकाचू पिकाचू है ये, पोकेमोन का। ये लड़की का ड्रेस है, लड़की का ड्रेस लग रहा है हमें लगता है, क्योंकि लड़की सब ये ज्यादा पहनती है। नहीं मालूम हमें, लड़का भी पहनता है ऐसा, कोई नहीं, बच्चा है कुछ भी पहन लेगा, अभी तो कुछ भी पहन लेगा, बाद में ड्रामा करेगा। तो देख लिया जी क्रियांश का अपने ड्रेस, तो सारे ड्रेस आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी सभी के लिए भी जो तोहफा भेजा था जिया के पेरेंट्स ने, तो वह सभी कैसा लगा। तो आप दिखाने वाले हैं जी जिया के पेरेंट्स का एक आखिरी गिफ्ट, जो कि बहुत ही प्यार से उन्होंने दिया है, और वीडियो के टाइटल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या है, लेकिन शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अभी आपको सब कुछ क्लियर कर देते हैं। इससे पहले की गोल्ड गिफ्ट को हम दिखाएं, उससे पहले कुछ बातें क्लियर कर देते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है हर वीडियो जितना भी गिफ्ट अनबॉक्सिंग का रहता है कुछ ना कुछ कमेंट करने तो खुद ही जाते हैं, और उसमें कमेंट ये रहता है कि जिया के घर से आप लोग इतना
गिफ्ट क्यों लेते हो, आप लोग क्यों मंगवाती रहती हो जिया के घर से? तो जी हम लोग नहीं मंगवाते हैं, वो जो भी देते हैं खुशी से दिया है, खुशी खुशी देते हैं वह। और जब हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ बोला जाता है देने के लिए, सबकी अपनी अपनी खुशी होती है। और वैसे जो है हम लोगों ने मना भी किया था कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे इतना प्यारा सा नाती हुआ इसके आगे तो सब कुछ कुर्बान है। तो जिया की मम्मी को तो खास करके देख रहे थे बहुत पहले से एक्साइटेड की उसके लिए ये लेना है, उसके लिए ये लेना है। बस हमारे इधर ऐसा होता है कि बाबू के आने से पहले कुछ शॉपिंग नहीं होती, शॉपिंग बस नहीं हुआ था लेकिन लिस्ट बन के तैयार था कि क्या क्या लेना है। तो अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए अब आपको दिखा देते हैं कि वह कौन सा गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। और ज्यादा देरी होगा तो हमारा बाबू पहले उठ के तैयार होगा, वो भी दिक्कत हो जाएगा। अब आपको दिखाने वाले हैं जी वह गिफ्ट क्रियांश के नाना नानी ने बहुत ही प्यार से दिया है, और इसके लिए वह बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब घर आए और कब जो क्रियांश को वह दे। तो जिया खोल करके दिखा दो आखिर कौन सा है वह गिफ्ट। तो देख सकते हैं जी लाल धागा में यह गोल्ड का एक हनुमानी है, हमारी हनुमान जी, आपको नजदीक से हम दिखा देते हैं। तो यह है क्रियांश के लिए, तो हमें तो काफी अच्छा लगा और थैंक यू भी कहना और हम थैंक यू भी कहना चाहेंगे इस वीडियो के जरिए जिया की मम्मी पापा को, थैंक यू जी। और बहुत ही प्यारा सा यह है, और आप लोग को कैसा लगा आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। और क्रियांश को अभी तक पहनाया नहीं है हमने, जैसा मम्मी बोल रही थी जैसा हम अपने दामाद को दिए ना सेम देंगे, लेकिन उस टाइप का डिजाइन नहीं मिला लेकिन ऐसा डिजाइन मिला। अच्छा कोई नहीं, तो क्रियांश को एक बार पहना कर भी दिखाया जाए, लेकिन अभी सो रहा है, वो उठ जाएगा। ठीक है जब उठ जाएगा तो किसी और ब्लॉग में दिखा देंगे। अभी तक आपने जो भी देखा जी, वह देखा कपड़ा, देखा ज्वेलरी, देखा जो भी देखा, और भी गिफ्ट आया हुआ था जिया के मम्मी पापा से। आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिनों से घर में दही चल रहा है, खूब दही खा रहे हैं हम लोग, जम के खा रहे हैं, इतना स्वादिष्ट दही है ही, क्यों ना खाए सभी लोग। तो वह दही जो है लगभग 10 किलो के करीब जिया के घर से आया हुआ था। वो कहते हैं ना कि जब कुछ शुभ होता है तो उसमें दही अच्छा। उसके अलावा जिया के घर से आया हुआ है जी मिठाई, हम लोग जो है जितनी जगह बांट सकते थे बांट तो दिए हैं, उसके अलावा भी बचा हुआ है घर में, सभी लोग खूब खा रहे हैं हम लोग। तो दोनों फ्रिज में भरा हुआ है, ऊपर में एक फ्रिज है और नीचे एक फ्रिज है, जिसको जहाँ मौका मिलता है अपना मिठाई लपेट लेते हैं। हाँ जी, और इसके अलावा आया हुआ है आम, वो भी भागलपुर का मालदा आम, तो काफी अच्छा आम लग रहा है जी, और सभी लोग खा रहे हैं। तो यह था जी सारा गिफ्ट जो क्रियांश के नाना नानी की तरफ से आया हुआ है, और क्रियांश का जो है वहाँ रोना स्टार्ट कर दिया, तुम जाकर के संभालो हम बातचीत करते हैं। गिफ्ट तो बहुत सारे लोगों के जरिए आया हुआ है जी, लेकिन सोचा कि इस वीडियो में नहीं डालते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, उसके लिए जो है एक डेडिकेटेड वीडियो लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो दिखा देंगे जी। तो आप ऐसा करते हैं जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। उधर क्रियांश आ गया है अपना, बाहर घूम रहा है मम्मी के साथ। तो अब ऐसा करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से, बाय।